सेमिकॉन इंडिया में सबसे बेहतर और सबसे महत्वपूर्ण जो आकर्षण का केंद्र है वो है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का धुलेरा प्रोजेक्ट। जी हाँ, ये वो बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट है जिसे जिसका वेट पूरी देश में कर रहे हैं, जो सेमीकंडक्टर जो फैब है उसको लेकर के। और कहा जा रहा है कि ये जो है 2026 तक ये जो है फैब बनकर के तैयार होगा, और इसको कोशिश ये भी है कि 8 से 10 साल के भीतर दो और ये फैब जो है वो टाटा कंसल्टेंसी मिलकर करके आएगी। इसमें तकरीबन जो है 2000 डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोगों को, और 10,000 इनडायरेक्ट रूप से भी एम्प्लॉयमेंट जो है वो मिलने की संभावना है। इसके साथ इंस्टॉल कैपेसिटी की अगर बात करें तो 5,000 वॉरफेयर इसमें होंगे। साथ ही साथ इसके अलावा ये जो सेमीकंडक्टर चिप है ये जो बनकर तैयार होगी, इसका टारगेट ये है कि जो मोबाइल है, ऑटोमोबाइल है, कम्युनिकेशन है, कंज्यूमर है, डाटा स्टोरेज है और इंडस्ट्रियल, ये तमाम चीज़ों को कैटर करेगी। और ये एक वहाँ के जो मार्केट है उसको उस पर फोकस किया गया है। और इसके साथ ही साथ ये भी कोशिश की गई है कि ये स्वच्छ हो, क्लीन हो, इसका पूरी तरीके से ध्यान रखा जाए। इसके अलावा ये इंटरनेशनल लेवल पर जो है बनकर के तैयार होगा, सारे मानक जो है इस पर तैयार किए जाएंगे। और अभी जो ये एरिया है, ये पूरा एरिया 162 एरिया में है, और इसमें दो फैब जो है वो भी दोबारा खोलने की कोशिश की जाएगी। और ये जो 38 स्क्वायर मीटर जो है वो एरिया में बनकर तैयार हो रहा है। तो आप देखिए, ये मॉडल यहाँ पर रखा गया है और कोशिश ये की गई है कि आम जनता को भी यहाँ पर दिखाया जाए, जो सेमीकंडक्टर से जुड़े हुए हैं, जो हैं इकोसिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको भी दिखाया जाए, ताकि आने वाले वक्त में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और क्या प्रोजेक्ट्स लेकर के आ रहा है और ये धुलेरा प्रोजेक्ट की क्या खासियत है इसको डेमोन्स्ट्रेट करें। साथ ही साथ भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम किस प्रकार से मजबूत होगा और भारत किस प्रकार से आगे आने वाले टाइम में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का हब होने जा रहा है, उसकी एक बानगी जो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स यहां पर दिखाता हुआ नजर आ रहा है।